नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु पर स्वागत है। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर ऑल इंडिया के कैंप्स के बारे में वीडियो अपडेट अपडेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंप्स प्लेसमेंट 2020 के बारे में, जिसके अंदर योग्यता वो IIT के अल्टरनेट के स्टूडेंटों के लिए रखी गई है। NCVT और SVT सभी स्टूडेंट है वो भाग ले सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर भाग ले सकते हैं। यहाँ पर सैलरी के साथ साथ आपको ओवर टाइम का भी मौका दिया गया है। ओवर टाइम है वो आपका 84 रुपये पर हॉर्स के हिसाब से आपको पेमेंट मिलने वाला है। यहाँ पर ये आप नोटिफिकेशन दे सकते हैं, जो वीडियो के मैं अंत में भी आपको ये नोटिफिकेशन है उसकी सारी डिटेल्स दे दूँगा। चलो जान लेते हैं कहाँ पर ये कैंप्स प्लेसमेंट आयोजित किया जाए और क्या डेट रखी गई है। कैंप्स प्लेसमेंट का स्थान रखा गया है गवर्नमेंट ITI किशनी मणिपुरी UP। ये UP के अंदर कैंप्स प्लेसमेंट आयोजित किया जा रहा है। कैंप्स प्लेसमेंट की डेट है वो 18 फरवरी 2020 ट्यूजडे को रखी गई है और आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा वो सुबह 10 बजे से रखा गया है। आपको 10 बजे से पहले पहले वहाँ कैंप्स प्लेसमेंट के अंदर पहुँचना होगा। कंपनी का नाम दे रखा है मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड इंदौर। यहाँ पर क्वालिफिकेशन यानी योग्यता दे रखी है ITI। ITI में अगर आपने कोई सी भी ट्रेड से अगर ITI कर रखी है तो आप इस कैंप्स प्लेसमेंट के अंदर भाग ले सकते हैं। NCVT और SVT दोनों स्टूडेंटों के लिए यहाँ शानदार मौका रखेगा है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ एज लिमिट है वो 18 से 25 ईयर के मध्य रखा गया है। जेंडर यानी मेल और फीमेल दोनों इस कैंप्स प्लेसमेंट के अंदर भाग ले सकते हैं। दोनों के लिए सीटें हैं वो समान रखी गई हैं। यहाँ पर ये आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किशनी मैनपुरी के अंदर ये कैंप्स प्लेसमेंट आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर कैंप्स प्लेसमेंट आयोजित करने वाली कंपनी का नाम दे रखा है मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड इंदौर। यहाँ पर स्थान दिनांक और समय दे रखा है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किशनी मैनपुरी 18 फरवरी 2020 प्रातः 10 बजे। आयु सीमा है वो 18 से 25 वर्ष के मध्य रखी गई है। इसके अंदर पुरुष और महिला दोनों है वो भाग ले सकते हैं। तकनीकी योग्यता के अंदर दे रखा है ITI एनी ट्रेड, यानी आपने कोई सी भी ट्रेड से ITI कर रखी है तो आप इस कैंप्स प्लेसमेंट के अंदर भाग ले सकते हैं। NCVT और SCVT दोनों स्टूडेंट है वो भाग लेंगे। वेतन की बात करें तो यहाँ वेतन है वो अलग अलग ट्रेडों के लिए अलग अलग रखा गया है। अगर आपने इंजीनियरिंग ट्रेड से ITI कर रखी है तो आपकी सैलरी है वो 8,814 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगी और ओवर टाइम है वो आपको 84 रुपये पर हॉर्स के हिसाब से पेमेंट मिलने वाला है। यानी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वालों की बात करें तो यहाँ पर सैलरी है उनकी 7,956 रुपये पर मंथ के हिसाब से और ओवर टाइम है वो 78 रुपये पर हॉर्स के हिसाब से ओवर टाइम का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी की तरफ से आपको ट्रांसपोर्ट है वो फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा और कैंटीन का चार्ज है वो 10 रुपये 64 पैसे पर डाइट के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। यहाँ पर आपका वर्किंग कार्य है उसके अंदर दे रखा है ऑपरेटर, हेल्पर, पैकिंग डिपार्टमेंट, असेंबली, LPG, CNG, PPC, PDI, PD, QPC, मेंटर, इन क्षेत्र में आपका कार्य रहेगा। यहाँ पर आगे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा। इन चूंकि विद्यार्थी अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, समस्त मूल एवं छाया प्रति, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर ही यहाँ पर ललित जैन अनुदेशक यानी वहाँ कॉलेज के अनुदेशक हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। श्री सौरभ सिंह अनुदेशक से संपर्क करें। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किशनी मोहनपुरी, यहाँ पर प्रधानाचार्य के सिग्नेचर भी दे रखे हैं। दोस्तों, इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप उस सेम डे जाकर आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर पहुँच जाएँ। 10 बजे से पहले पहले पहुँच जाएँ, आपका कैंप्स के सेम दिन आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।